एक कॉन्सेप्ट आगे का डिस्कस कर ले अपन जल्दी से। क्या इंडेक्स तो सीआई देख रहा था ना अपनी मॉड्यूल से? नहीं, पर मेरा सवाल क्या है कि तू सीआई देख कैसे रहा था? जीएसटी के बुक पर कहाँ दिया हुआ था सीआई? तो मतलब तुझे सीआईए मिला नहीं था? तेरा क्वेश्चन कैसे खत्म हुआ था? सीआईए पूछ लिया था तूने? भाई मुझे लगा बड़े अच्छे से मॉड्यूल खोल के सीआईए देख रहा है ये, तो फिर इसने जीएसटी कैसे दे दिया? एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ठीक है ना बेटा? जल्दी से मुझे बताओ चार्जिंग सेक्शन। अरे उसके अंदर की बात बताओ। हाँ, क्या बोलता है वो? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, कैपिटल असेट का ट्रांसफर होता है, तो जिस साल ट्रांसफर होता है उस साल कैपिटल गेन, ठीक है? अब ये जो जिस साल कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, उसके एक्सेप्शंस है कुछ कुछ, ठीक है? उसके चार करीब क्या है एक्सेप्शंस। तो उसका पहला एक्सेप्शन अपन आज डिस्कस कर लेते हैं, है ना? तुम लोगों ने ट्रांसफर का मतलब भी सीख लिया है। अपन ने ट्रांसफर के मतलब में एक पॉइंट लिया था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, ठीक है? अच्छा, इस लाइन का एक्सेप्शन है मतलब क्या हुआ कि जिस साल ट्रांसफर होगा उस साल टैक्स नहीं लगेगा, किसी और साल टैक्स लगेगा। समझ में आया? ठीक है, कैपिटल गेन हम भले उसी साल निकाले पर टैक्स हम किसी और साल पे करेंगे, ठीक है? तो पहला एक्सेप्शन वही है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इंटू स्टॉक एंड ट्रेड वाइज, ठीक है? अब समझ लो इसको। सेक्शन 45(2) डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इंटू स्टॉक एंड ट्रेड, ठीक है? अब इसको एक एग्जांपल के उसमें मैं समझा देती हूँ, ठीक है? बेटा मैंने एक असेट खरीदा, ठीक है? मैंने ज्वेलरी का एग्जांपल दिया था कि मेरे पास ज्वेलरी है और अब मैं दुकान खोल रही हूँ, ठीक है? तो मैंने अपनी खुद की ज्वेलरी क्या कर दी, अपनी दुकान में रख दी, ठीक है? तो मेरे पास ज्वेलरी है, कैपिटल असेट है। पहले तो कैपिटल असेट होगा तो ही अपन ये सब पूरी पंचायत करेंगे ना। ज्वेलरी कैपिटल असेट है क्या? हाँ बेटा, मैंने प्रीवियस ईयर 2001-2002 में ये परचेज करी थी, इसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपए, ठीक है? है ना? मैंने इसको होल्ड करके रखा, होल्ड करके रखा, फिर मैंने ज्वेलरी की क्या खोल ली, शॉप। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने कन्वर्ट कर लिया, है ना? ये सीआईआई वाली शीट है, इसको रख लेना, रोज लेकर आ जाना, जिस क्वेश्चन में सीआईआई नहीं दिया है इस शीट से देखकर कर लेना, ठीक है? मैंने कन्वर्ट कर लिया इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। ये मैंने कौन से प्रीवियस ईयर में किया? मान लो मैंने 2021 में किया, ठीक है? प्रीवियस ईयर 2020-21 में मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया। इसी साल ट्रांसफर हो गया क्या? जिस साल आप कैपिटल असेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हो उस साल ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? तो मैं इसको बोल सकती हूँ ईयर ऑफ ट्रांसफर, बोल सकती हूँ बेटा मैं। इस साल ट्रांसफर हो गया और गवर्नमेंट मुझसे बोलने लगी कि कैपिटल गेन निकालो और उसपे क्या दे दो, टैक्स दे दो, ठीक है? पर मैंने बोला कि अभी तो ये बिका ही नहीं है, बिका नहीं है तो मेरे पास पैसे ही नहीं आए हैं, और मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं टैक्स कैसे भरूंगी, ठीक है? मैं उधार लेकर लोन लेकर थोड़ा ना टैक्स का अमाउंट भरूंगी, मेरे पास पैसे तो होने चाहिए टैक्स भरने के लिए। और अभी तो मैं गरीब हूँ इसीलिए तो मैं ज्वेलरी की शॉप खोल रही हूँ, ठीक है? अपनी खुद की ज्वेलरी दुकान में रख रही हूँ, तो
अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं बहुत रोई बेटा, तो उसके लिए उन्होंने मेरे लिए एक नया प्रोविजन बना दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया, ठीक है कि तुम कैपिटल गेन अभी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, पर टैक्स कब लगेगा, जिस साल ज्वेलरी बिकेगी, ठीक है। तो बेटा ये पड़ी रही दुकान में, और ये इस साल मतलब प्रीवियस ईयर, अभी अपना रेलिवेंट कौन सा है, 23-24, तो ये स्टॉक क्या हो गया, सेल हो गया इन प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो टैक्स किस साल पे करना पड़ेगा मुझे। हाँ, गवर्नमेंट वेट कर रही थी कि कब ये बेचे और कब हम इससे क्या मांगने जाए, टैक्स मांगने जाए, तो टैक्स किस साल लगेगा, 23-24 में, ठीक है, ये समझ में आया, है ना। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर भले कौन सा ईयर है, 2021, पर टैक्स किस साल पे करना है, 23-24 में। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ सेल हुआ है तो उसके अलग से टैक्सेस होंगे। पीजीपी, हाँ अभी करते हैं, ठीक है। देखो ये कॉस्ट कितनी थी इसकी, 10,000। मैंने इसको सेल किया बेटा यहाँ पर ₹60,000 में। कितने में सेल किया, 60 में, तो 60,000 में बेचा, 10,000 में खरीदा था, तो प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 50,000 का। पर 50,000 का प्रॉफिट पूरा का पूरा कैपिटल गेन नहीं है, और पूरा का पूरा प्रॉफिट पीजीबीपी भी नहीं है, क्योंकि बेटा ये कुछ साल कैपिटल असेट था और कुछ साल स्टॉकिंग ट्रेड था, ठीक है। तो ये जो 50,000 का मुझे गेन हुआ है, ना ही ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन है और ना ही ये पूरा का पूरा पीजीबीपी है। तो इसका मतलब ये है ना कि यहां से लेकर यहां तक का जो मैंने गेन कमाया होगा, ठीक है, यहां से लेकर प्रीवियस ईयर 2021 तक जो मैंने गेन कमाया होगा इस ज्वेलरी में, वो ही सिर्फ क्या है मेरा, कैपिटल गेन है। पर यहां से तो प्रॉपर्टी क्या बन गई मेरी, स्टॉक एंड ट्रेड। तो यहां से लेकर यहां तक जितना भी गेन आया वो पीजीबीपी है ना, वो पीजीबीपी है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो मुझे इस 50,000 के गेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, मुझे कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा 01 से लेकर 2021 तक के पीरियड का, है ना, और 23-24 तक, 2021 से 2023 तक जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो गेन आया है, वो क्या आ जाएगा पीजीबीपी में। इतनी बातें क्लियर है क्या, है ना। तो बेटा मैं यहां पर 2021 में गेन निकालने के लिए मुझे एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कि इस साल असेट की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो मैं देखूंगी उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी एफएमबी, ठीक है, एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन आपने कैपिटल असेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट किया उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, ठीक है। अपन एग्जांपल में ले लेते हैं, ये थी बेटा 40,000, समझ में आया, ये कितनी थी, 40,000। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, पीजीबीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एफबीओसी। एफबीओसी क्या, ये फुल एक्सप्रेशन, 40,000 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस दिन हमने कन्वर्ट किया उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 40,000। अगर बेचते तो कितने में बिकता, 40,000 में। तो एफबीओसी में क्या लिया हमने, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस विच इज जीरो, तो नेट कंसिडरेशन आ गया 40,000। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पर अगर ये लॉन्ग टर्म है तो बेटा पीजीबीपी
पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक देखेंगे? 1-2 से लेके 23-24 तक कि 2021 तक? कैपिटल असेट कब तक था वो? 2021 तक वो कैपिटल असेट था। तो बेटा सिर्फ यहां से लेके यहां तक ये है हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है। अब 1-2 से लेकर 2021 बहुत सारे साल होते हैं, 12 के लिए कितने साल देखे जाते हैं? 3 ईयर से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो गया। इंडेक्सेशन करेंगे, चलो तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 10,000 इंटू, नहीं क्योंकि कन्वर्ट कब हुआ? 2021 में, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कब माना जा रहा है? 2021 में। शीट है तुम लोग के पास? 301, ठीक है। डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 2001-2 का 100 है ना, तो ये कितना आ गया? हाँ, तो तुम्हारा कैपिटल गेन कितना आ गया? निकाल लो जरा, 9,900। समझ में आया? हाँ, ठीक है। ये कैपिटल गेन हमने निकाल लिया। पीजीपीपी कैसे निकलेगा? पीजीपीपी में बेटा प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट तुम लोगों ने कैलकुलेट किया भी हुआ है अकाउंट्स में, है ना। कितने में असेट सेल होता है माइनस स्टॉक कितने में खरीदा था, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने खरीदा नहीं था, कन्वर्ट किया था। तो जिस दिन हमने कन्वर्ट किया था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हम क्या ले लेंगे? कॉस्ट में ले लेंगे, ठीक है, है ना। वही करते हैं ना अपन, सेल माइनस परचेज करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो अपन पीजीबीपी कैसे निकालेंगे? अपन निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक है 60,000 माइनस कॉस्ट ऑफ स्टॉक में क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन 40,000। तो इसमें इंडेक्सेशन वगैरह कुछ नहीं होता, सीधा सीधा कैलकुलेशन होता है। 20,000 का क्या है? समझ गए, ठीक है। चलो तो आज के लिए इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लो और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको करके लेकर आना। क्या हो गया? वो वाला क्वेश्चन कर रही थी, ये सुन नहीं रही थी क्या? इसका आंसर नहीं पूछना क्योंकि अभी तुम लोगों के सामने ही क्वेश्चन बनाया है तो मुझे भी नहीं पता है। इसको रिवाइज करके जरूर आना, ठीक है। फिर मैं कल इसका क्वेश्चन करवाती हूँ।
Thank you.